उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बताया था हैं? बताया है कि साधन चतुष्टय से जो संपन्न हैं, ऐसा जो जिज्ञासु है वही क्या है, मोक्ष की सिद्धि के लिए विचारः कर्तव्यः। क्योंकि बताया था कि विचार के अतिरिक्त अन्य साधनों के द्वारा ज्ञानम् न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कर्म उपासना आदि के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, लेकिन जो ज्ञान है वही क्या है, मोक्ष का साक्षात साधन है। ज्ञान के द्वारा ही जो परमात्म तत्व है उसका अपरोक्ष होता है। आपके पास वस्तु विद्यमान हो उसका ज्ञान ना हो तो सामने ही बैठा हुआ है जिससे आप मिलना चाहते, आप जानते नहीं है। केवल ज्ञान ही तो नहीं है, इस कारण से आमने सामने बैठे हुए होते हुए भी आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, जबकि क्या है, सामने बैठा हुआ है। तो वैसे ही परमात्मा जो है वो तो हृदय में ही विराजमान है सबका अपना आत्म रूप से, लेकिन अज्ञान के कारण से नहीं जान पाते हैं। और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का अपाकरण हो जाने पर क्या होता है, वो परमात्मा अपरोक्ष रूप से अनुभव में आ जाता है। तो इस और ये ज्ञान कैसे होता है ये बता रहे हैं, विचारेण अन्य साधनै न उत्पद्यते। विचार के अतिरिक्त अन्य साधनों से ज्ञान नहीं हो सकता है। विचार से ही जगत की असारता अनुभव में आएगी, विचार से ही जगत का मिथ्यात्व अनुभव में आएगा, विचार से ही जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि है इनकी जड़ता अनात्मता अनुभव में आएगी। और विचार के द्वारा जब इन सब का निषेध हो जाएगा उसके पश्चात जो शेष रह जाता है साक्षी चेतन, वही आत्मा शेष रह जाता है, वही अपरोक्ष अनुभव हो जाता है उसका। फिर विचार का प्रकार क्या है ये चल रहा है, विषय क्या चल रहा है कि विचार। तो विचार क्या है कि मैं कौन हूँ, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, किसने इसको उत्पन्न किया, क्या इसका कारण है, विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार से विचार किया जाता है।
मैं कौन हूं, ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और इसका कारण क्या है, उपादान कारण, सामग्री कहाँ थी, वो सामग्री जिस सामग्री से ये बना है, वो मसाला कहाँ रखा हुआ था। तो ये सब विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि सारा का सारा जगत तो माया का कार्य मात्र है। जो परमात्मा की अभिन्न अनादि कल्पित शक्ति जो माया है, उससे ही ये जगत उत्पन्न हो करके भास रहा है। और फिर क्या क्या बताया कि मैं भूत गण, गणों का जो संघात रूप ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। और जो इंद्रिय समुदाय का समुदाय रूप ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी मैं नहीं हूं। मैं इनसे विलक्षण हूं कुछ, कश्चिद एतद विलक्षण, इनसे विलक्षण कुछ हूं, ऐसा जो विचार करना है, इसी को क्या बोला है, ये विचार का प्रकार। ठीक है। उसके पश्चात बताया था अज्ञाना प्रभवम सर्वम, ये संपूर्ण जगत अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ज्ञानेना प्रविलीयते, और ज्ञान के द्वारा विलय हो जाता है। जैसे सुक्ति में रजत जो भास रहा है, वो जो रजत है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान होने पर वो चांदी अदृश्य। ऐसी रस्सी में जो सर्प भासता है वो अज्ञान से भास रहा है, और ज्ञान होने पर, रस्सी का ज्ञान होने पर वो जो कल्पित सर्प है वो विलय हो जाता है ना। ऐसे ही मरुभूमि में जल वो अज्ञान से भासता है, लेकिन जैसे ही धरातल का मरुभूमि का ज्ञान होता है, वो जल क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे ठूट में पुरुष भासता है, हैं कि चोर खड़े हुए हैं लूट लेंगे, लेकिन जैसे ही जाना कि ये चोर नहीं है, पुरुष नहीं है, क्या है, ठूट है, तो वो चोर क्या हो गया, वो विलय हो गया, अदृश्य हो गया, लोप हो गया। इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत परमात्मा में अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और ज्ञानेना प्रविलीयते, ज्ञान होने पर विलय हो जाता है। संकल्प विविधा कर्त, और इन संपूर्ण संकल्पों का जो कर्ता है, अर्थात संपूर्ण संकल्प विकल्प जिसमें तैर रहे, जिसमें उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें विलय हो जाते हैं, वो चेतन है। इस प्रकार से जो विचार है, सो स अयम ईदृशा विचार, वह यह जो इस प्रकार किया जाता है, स विचार, वह क्या है, वह विचार है। तो ये हो चुका है। अब आप लोग 15वां श्लोक देख लीजिए। एतयोर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथेवा मृदघटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः। एतयोः यद उपादानम् एकम् सूक्ष्मम् सद् अव्ययम् यथा इव मृदघटादीनां
विचारः सः अयम् ईदृशः एतयोः यद् उपादान एतयोः ये जो संपूर्ण जो जगत है अज्ञान है इनका जो क्या है उपादान जो उपादान उपादान कारण दो प्रकार कारण बताए ना निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त जो कारण होता है वो साधारण कारण को बोलते हैं निमित्त कारण और असाधारण कारण जो होता है उसको बोलते हैं उपादान कारण। असाधारण कारण माने जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, बाकी सबके बिना बन सकता है, गधे के बिना बन सकता है ना, कुमार की पत्नी के बिना बन सकता है, बेटे के बिना बन सकता है, सबके बिना बन सकता है, लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता ना। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है और बाकी सब क्या है निमित्त कारण, सहायक कारण, साधारण कारण। तो वैसे ही ये जो जगत है इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण। तो पूछते हैं एतयो यद उपादानम, ये जो जगत है इसका जो उपादान कारण है, तो उपादान कारण एकम सूक्ष्मम सदव्ययम, वो क्या है एक है, सूक्ष्म है और सदरूप है और अव्ययम माने अविनाशी है। क्या है मतलब एतयो का मतलब दोनों हो गए, अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न ये जगत, कितने हो गए दो हुए ना, कितने हुए अज्ञान और अज्ञान जन्य प्रपंच, तो दो। तो पूछते इनका जो उपादान कारण है वो कौन है। तो जैसे अज्ञान है ना, जगत का उपादान कारण क्या है अज्ञान, अज्ञान का भी उपादान कारण क्या है, अज्ञान किसमें कल्पित है किसमें अध्यस्त है माया। तो इसलिए उपादान कारण क्या हुआ ब्रह्म ही हुआ ना, उपादान कारण क्या हुआ ब्रह्म ही। तो इसी को कहते हैं यद उपादान एतयो हो, अज्ञान और अज्ञान का कार्य इनका जो उपादान कारण है वो एक है और सूक्ष्म है और वो सदरूप है। क्या है वो सद है, असत रूप नहीं है, सदरूप है, सदा ही जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है वो क्या है वो सद। अव्यय अविनाशी है वह जो ब्रह्म है। दृष्टांत दे रहे यथा इव मृद घटादीनाम, जैसे घड़ा सुराई आदि है, इनका इन सब का उपादान कारण क्या है मिट्टी है। इसी प्रकार से अज्ञान, अज्ञान का कार्य संपूर्ण प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म है, परमात्मा है। इस प्रकार से जो समझना है विचारना है स ईदृश अयम ईदृश स विचार, यह इस प्रकार जो है वह विचार, यही क्या है। और विचार ही तो साधन है ना,
विचार की पतवार लेकर के जिज्ञासु इन इस संसार सागर को पार कर जाता है। किसकी पतवार लेकर के? विचार की पतवार लेकर, है ना। पीछे भी आप सुनाए हैं कि विचार से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान ही परमात्मा के अपरोक्ष में साक्षात साधन है। ये सुन आए जी। इसलिए वे विचार है। ये क्या है? विचार है। अज्ञान अज्ञान का कार्य, दोनों का उपादान कारण एक सूक्ष्म सद अविनाशी है, जिस प्रकार से मिट्टी के समस्त पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है। तो ये विचार करना चाहिए। ऐसे विचार करने से बुद्धि में जो जमी हुई काई है ना, अज्ञानता संशय विपरीत ज्ञान, वो सब क्या होते हैं? हटते चले जाते, दूर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आकाश में ज्यों ज्यों सूर्य देव उदित होते हैं, त्यों त्यों अंधकार दूर होता जाता है। और जो शीत लग रहा है सबको, वो शीत भी दूर हो जाता है ना, तो ठिठुर रहे हैं। तो वैसे ही ज्यों ज्यों विचार करते हैं, त्यों त्यों बुद्धि में आई हुई जो अज्ञानता मलिनता है वो दूर होती चली जाती है। तो ये सब महिमा विचार की है। इसकी महिमा है विचार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में परलोक में अन्य कुछ भी नहीं। जैसे अग्नि है ना, अग्नि में तपाने से धातुओं के जो मैल है वो सब क्या होते हैं? सब जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, शुद्ध धातु रह जाती है। तो वैसे ही ये ज्ञान की अग्नि है जो सबको पवित्र करने वाली है ना, और इस जीव के समस्त कर्मों को क्या करती है? भस्म कर देती है। तो ज्ञान की के समान तो कुछ भी नहीं है ना। तो ज्ञान की महिमा का कथन नहीं किया जा सकता। ये सब ज्ञान की महिमा है जी। इतना सुंदर ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं। 16वां श्लोक देख लिया जाए। हाँ जी, 16वां श्लोक जी। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः, तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः। अहम एकः अपि सूक्ष्मः च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः, तदहं न अत्र संदेहः विचारः सः अयम् ईदृशः। अहम् एकः अपि, मैं एक होता हुआ भी, मैं क्या हूँ? एक। जैसे गगनस्थ एक ही सूर्य है, समस्त पद पदार्थ का जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको दूर कर देता है ना। कितने सूर्य चाहिए? एक सूर्य। है जी, एक सूर्य।
एक ही सूर्य घट मठ है सबका प्रकाशक है ना। सबका प्रकाशक कौन है? पेड़ पौधे नदी नाले पहाड़ पत्थर सबका प्रकाशक एक ही सूर्य। इसी प्रकार से कह रहे हैं अहम एकोपि, मैं एक होता हुआ भी, एकापि एक होता हुआ भी सूक्ष्म च, और क्या हूं? सूक्ष्म। क्या हूं? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। और ज्ञाता सबका क्या हूं? ज्ञाता हूं, ज्ञान स्वरूप। क्या हूं? ज्ञाता हूं माने चिदरूप। क्या हूं? चेतन। जड़ बताया ना, जड़ किसको बोलते हैं? जो स्वयं को ना जाने अन्य को ना जाने उसको बोलते हैं जड़। और चेतन किसको बोलते हैं? जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है वो क्या है? चेतन है ना। तो ज्ञाता सबको जानने वाला, सबका प्रकाशक हूं, साक्षी। आगे साक्षी भी बोल दिया, ज्ञाता हूं और सबका क्या हूं? साक्षी। सबके भाव सबके अभाव को जानने वाला, भाव भाव को। जगत की उत्पत्ति जगत की स्थिति जगत का लय इन सब को जानने वाला, इन सब का भी साक्षी, इन सब का भी साक्षी। क्योंकि अपनी जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, और अपनी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सब का सब उत्पन्न होने वाला और नाश हो जाने वाला है। जो कुछ भी है अपनी आत्मा ही अविनाशी है ना, तो इस कारण से सबका साक्षी हुआ ना। जैसे पुराने बूढ़े कहते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब? 1947 में, कहते उसके भी हम साक्षी है। वृद्ध लोग कहते ना कि हम उस समय हमने उसको भी देखा कि कब क्या क्या हुआ था, और उस समय जो बाढ़ आई थी उसके भी क्या है? हम साक्षी हैं। उस समय जो अकाल पड़ा था उसके भी हम क्या है? साक्षी। बूढ़े लोग कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस समय थे, और जो नहीं थे वो तो नहीं कहते हैं ना कि हमने देखा उसको। लेकिन अपनी जो आत्मा है ना, इसी को तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? बहुनी मे व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, बहुनी मे व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना। सेठ जी गड़बड़ कर देना, पर नहीं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्था परंतप। अर्जुन कहता है आपने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को दिया था। सूर्य कब का है और आप? अभी आपका जन्म हुआ है। तब श्री कृष्ण कहने लगे तेरे और मेरे बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, अरे बहुत जन्म बीत गए भाई। तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सबको जानता हूं। ना तुम वेद था, तू नहीं जानता है। मैं जानता हूं ना कि जन्म बीत गए है, कितने बार कितने कपड़े पहने,
और पहन पहन के पुराने हुए और पहन पहन के फट गए, उनको फेंक करके हमने क्या किए, नवीन वस्त्र धारण कर लिए। मतलब ये शरीर, कितने शरीर धारण किए और सब शरीरों को, सबके सब शरीर क्या हो गए, पुराने होते गए और हम उनको छोड़ के नए शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन शरीर ही तो मरे, आत्मा तो, मैं तो अविनाशी रहा ना, मैं तो अविनाशी रहा। तो वैसे ही जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय जब हुआ, तब भी मैं अविनाशी आत्मा तो विराजमान ही हूं। है? काल भी जिसमें कल्पित है, काल जो सबको खा जाने वाला, काल जो सबको मार देने वाला है, वो काल भी अपनी आत्मा में जाकर के क्या हो जाता है, मर जाता है। वो काल भी अपनी आत्मा को नहीं मार पाता, शरीर को मारता है ना, शरीरों को मारेगा, जगत को मारेगा, हैं, सबको मार देगा, लेकिन अपनी आत्मा के सामने जाकर के काल भी क्या हो जाता है, स्वयं मर जाता है। क्योंकि अपनी आत्मा अविनाश, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं सबका साक्षी हूं, जगत उत्पत्ति स्थिति और लय का साक्षी हूं। क्यों? सद अव्यय, सद रूप अविनाशी क्या हूं, निरंतर विद्यमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान अविनाशी आत्मा में हूं। इस प्रकार से जिज्ञासु विचार कर रहा है, गहन विचार कर रहा है, है? आज भोजन में क्या बनेगा, गहन विचार करते हैं ना, है? कई लोग तो बहुत गहन विचार करते, क्योंकि जीते ही केवल खाने के लिए, तो वो उनके लिए तो क्या है, है? बल्कि उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां मेन्यू, मेन्यू देख के जाते हैं ना कि वहां का वो फेमस है, और याद रहता है खोपड़ी में कि वहां का ये फेमस है, वहां का वो फेमस है, वहां का वो फेमस है। फिर आप कहोगे जी आपको कैसे पता, हम भी चर्चा सुन लेते हैं ना लोगों की, हम भी सुनते हैं, हैं? अज्ञानी बने करे सुना जाता है, सुनते रहो चुपचाप और ऐसे सुनो जैसे बहरे, तभी वो बात करेंगे लोग, वो समझ रहे कि ना तो इनकी कुछ समझ में आ रहा है, हैं, ना इनको सुनाई पड़ रहा है, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ लो तबाही करने का है, तो चर्चा करते रहेंगे क्या कि हाँ अरे वहां का वो फेमस है, क्या बोलते हैं वो बनता है जो तवे के ऊपर है डोसा, कहते वहां का वो फेमस है, कहते नहीं उसका वो फेमस है। अलग अलग होटलों के नाम बताते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट के नाम बताते हैं, तो विचार करते हैं ना, बहुत गहन विचार करते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु है वो क्या विचार करता है, वो इस प्रकार विचार करता है कि ये जो सारा का सारा जगत दृश्य है, इसका मैं साक्षी ज्ञाता हूं, सूक्ष्म हूं, एक हूं और सदा ही वर्तमान अविनाशी। ये देह समझ करके मुझे देह मत समझ लेना, शरीर देख करके मुझे शरीर मत मान लेना, मैं शरीर नहीं, मैं तो अविनाशी चेतन हूं, मैंने वस्त्र धारण किया हुआ है। ये शरीर क्या है, वस्त्र है, वस्त्र मात्र है। तो वो
स्पष्ट रूप से ऐसा गहन विचार करता है और यही निरंतर निश्चय करता है, समझ करके, यूं ही नहीं है, जबरदस्ती नहीं, सुन के मान के नहीं, अच्छे से समझ करके कि ये हाथ पैर वाला, आंख नाक कान मुख वाला, मन बुद्धि का जो ये संघात है शरीर, ये मैं नहीं हूं, सबका साक्षी हूं, सद अविनाशी आत्मा हूं। तदहं नात्र संदेहा, अत्र संदेहा ना, इस विषय में कोई संशय, कोई संदेह, कोई संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? यही कि ये जो शरीर आदि है ये मैं नहीं हूं, इस विषय में कोई संदेह, कोई संदेह नहीं है। तदा हम, मैं हूं ही ऐसा, ऐसा एक हूं, सूक्ष्म हूं, ज्ञाता हूं, साक्षी हूं, सद अविनाशी हूं, अत्र संदेह ना, इसमें संदेह नहीं। तदहम वह मैं, वह क्या है, वह मैं हूं। अब आप देख लीजिए, जिसने इस बात को समझ लिया, इस अहम को जान लिया, मैं को जान लिया, उसने किसको जान लिया, सब परमात्मा को जान लिया, है ना। और वो क्या हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, शांत हो, क्योंकि शरीर के जन्म लेते हुए भी जिसका जन्म नहीं, शरीर के रोगी होते हुए भी जो रोगी नहीं, शरीर के बालक युवा वृद्ध होते हुए भी जो बालक युवा वृद्ध नहीं, शरीर के मृत्यु में जाते हुए भी जिसकी मृत्यु नहीं, वह आत्मा में सबका साक्षी, क्या हूं, सबका साक्षी, चेतन आत्मा ब्रह्म मैं हूं, अत्र संदेह ना, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार से जो है वह विचार, वह क्या है, वह विचार है ना, विचार की लाठी से क्या करें, ये जो अज्ञान का सर्प है ना, ये भाग जाता है। विचार की लाठी से अज्ञान के सर्प को क्या करें, मार दिया जाए। जो अज्ञान आपके जन्म का, बंधन का, भय का हेतु है, उस अज्ञान को क्या करें, विचार की लाठी से मार भगाए, हैं? और किसी तरह से भागेगा? रस्सी में जो सर्प है, वो सर्प न दूध पिलाने से जाएगा, न लाठी से जाएगा, हैं? न आरती उतारने से जाएगा, न किसी मंत्र का जाप करने से जाएगा, किसी तरह से वो जाएगा क्या, वो सर्प भागेगा किसी तरह, कैसे भागेगा, विचार की लाठी से भाग जाएगा। विचार के सामने ठहरेगा क्या, जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं ठहरता,
इसी प्रकार से ये जो भ्रम है अज्ञान जनित, ये भ्रम ज्ञान के सम्मुख विचार के सम्मुख नहीं ठहरता। तो ये विचार है, क्या विचार है कि मैं एक हूं, सूक्ष्म हूं, सद अविनाशी हूं, सबका ज्ञाता सबका साक्षी। अत्र संदेह ना, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। तदहम कि वह मैं हूं, वह क्या है, वह मैं हूं, इस प्रकार से पूंजी है, ये संपत्ति है जो साधक ने साधना करके, चिंतन करके, विचार करके कमाई है। और उसी संपत्ति को, उसी पूंजी को लेने दुनिया आती है ना। महात्मा के पास क्या लेने आती है, जो महात्मा ने तप करके, विचार करके, साधना करके क्या पूंजी कमाई है, यही ज्ञान की पूंजी, जिसके आने से राम रतन धन, जिसके आने से संतोष धैर्य आदि समस्त सदगुण अपने आप आकर के विराजमान, ऐसा परम धन है ये, ऐसा परम धन क्या किया है, कमाया है। आप भी कमा लीजिए, परिश्रम करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, सांसारिक धन जो कि नश्वर है और ये अविनाशी है। ये धन क्या है, ये ज्ञान रतन, ये राम रतन, ये क्या है, अविनाशी। कैसे प्राप्त होता है बता दिया, विचार, किससे, निरंतर विचार, निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान से ये ज्ञान रतन प्राप्त होता है। क्या ज्ञान, यही ज्ञान कि मैं साक्षी आत्मा सद अविनाशी चेतन सच्चिदानंद अखंडानंद नित्य मुक्त ब्रह्म, ये क्या है, यही रतन है, राम रतन। तो इस राम रतन के आने से बाकी सोना चांदी सब कुछ वो कहते अपने आप आ जाते हैं। सोना चांदी क्या हुए, ये संतोष धैर्य सहन शक्ति आदि, ये सब अपने आप आ जाते हैं। तो विचार ही वह धन है, विचार करना चाहिए, विचार से धन आता जाएगा। आगे वाला श्लोक भी देखा जाए, 17वां श्लोक देख लीजिए। आत्मा विनिष्कलो येखो देहो बहुविरावृतः तयोरेक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्। आत्मा विनिष्कलः एकः देह बहुभिः आवृतः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानम् अतः परम्। हाँ जी, तो देखो, आत्मा विनिष्कल, आत्मा क्या है, निष्कल है, आत्मा क्या है, संपूर्ण घटने बढ़ने वाली जो कलाएं, जैसे चंद्रमा है ना,
चंद्रमा क्या है? कलावान है ना, उसकी कला क्या होती है? एकम से अमावस्या तक क्या होती है? घटती है। और अमावस्या के बाद एकम से पूर्णिमा तक क्या होती है? फिर बढ़ती। तो घटती बढ़ती है ना कलाएं। तो वैसे ही इस जीव की बुद्धि की कला क्या होती है? घटती बढ़ती है। कभी अज्ञान था, अब मैं बुद्धिमान हूँ, अब मुझे अनुभव हो गया, अब मैं जान गया हूँ, है ना। ऐसे ही सबकी कलाएं, कभी आंखों से कम दिखता था, फिर बहुत दिखने लग गया। फिर धीरे धीरे क्या होती है? क्षीण हो। ऐसे बहुत कम सुनता था, फिर क्या हुआ? ज्यो ज्यो इंद्रिया विकसित हुई, शरीर विकसित हुआ, तो त्यों त्यों खूब सुनने लग गया। और धीरे धीरे ऐसे होता है ना। हाँ, तो कलाएं क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। लेकिन अपनी आत्मा जो है वो क्या है? विनिष्कलह कला रही। अपनी आत्मा में कोई कला नहीं। एक और क्या है? एक आत्मा क्या है? एक देह बहुविरावृतः। और ये जो देह है ना, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन सब के द्वारा क्या है? आवृता माने घटा, ढका हुआ। क्या है? जैसे इन पांच कोशों के द्वारा क्या है? ढका हुआ। जैसे आपका शरीर वस्त्रों के द्वारा ढका हुआ है ना, सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों के द्वारा ढका हुआ है। ऐसे ही पांच कोशों के द्वारा अपनी आत्मा ढका हुआ है। लेकिन जैसे आपने कपड़ा पहना शरीर की रक्षा के लिए, शीत ताप से रक्षा के लिए वस्त्र पहना, लेकिन उसको उस वस्त्र को ही क्या मानने लगे? मैं मानने लगे। शीत ताप से रक्षा के लिए वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वस्त्र को ही क्या कर लिया? मैं मानने लगे। तो इसी बात को कहते हैं की बहु भी देह आवृता, अनेकों शरीरों के द्वारा वो क्या है? आवृत है, ढका हुआ है। अपनी आत्मा जो क्या है? विनिष्कल है और एक है। तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते, तयोः देह और आत्मा क्या है? बिल्कुल भिन्न स्वभाव है। आत्मा क्या है? सत है। और देह क्या है? असत है। आत्मा क्या है? चिद है। देह क्या है? जड़ है। आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। देह क्या है? दुख रूप है। अब सर्दी, अब गर्मी, अब भूख, अब प्यास, अब रोग, अब वियोग, ये लगे रहते हैं। तो देह क्या हुआ? दुख रूप। आत्मा क्या है? नित्य मुक्त है। और देह क्या है? सीमित है, सीमाओं में कैद है, बंधन में। तो तयोर एक्यम, इन दोनों की एक्यता को जो देखते, किम अज्ञानम अतः परम, इससे बड़ा और क्या ज्ञान? अतः परम किम अज्ञानम, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा?
व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, शरीर को क्या करता है, मैं मानता है शरीर को, मैं मानता है इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को, मैं मानता है, और क्या कहता है कि मैं ज्ञानी। ये ज्ञान है अज्ञान है? अज्ञान है, अज्ञान है ना। इसको समझिए और इसमें ही इसी ज्ञान को अपनी प्रज्ञा में सुदृढ़ कीजिए। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, जो मूढ़ लोग है आत्मा की और देह की एकता को देखते हैं, क्या करते हैं? आत्मा की और देह की एकता को वही हो। अच्छा और क्या हो गया? देह और आत्मा की एकता को देखते। सेठ जी भी कमाल करते हैं, शरीर को मैं मानना यही क्या है, यही आत्मा की और जड़ की एकता, देह की एकता हुआ ना जी। तयोरैक्यम, इन दोनों की एकता को देखते हैं जो मूढ़ लोग। किम अज्ञानम अतः परम किम अज्ञानम, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा जी? सबसे बड़ा अज्ञान यही। और इनका अलग अलग कर लेना, देह से अलग आत्मा को कर लेना, यही क्या है? यही ज्ञान, यही सबसे बड़ी बात। ये जो तीनों देह है, तीनों देह जो पांच कोश संयुक्त है, आत्मा इनसे अलग है। इसको अलग कर लेना, अपने साक्षी स्वरूप को, चिन्ह मात्र को, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। इसी को कहा है ना, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पंद्रहवे अध्याय में गीता में। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ है वो नहीं देखते, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो क्या करते हैं? वो देखते हैं। क्या देखते हैं? शरीर आदि ये जो उपाधियां है, आत्मा इन सब से अलग, इन सब का प्रकाशक, इन सब का साक्षी। बस इसी ज्ञान को क्या करो, बुद्धि में धारण कर लो, और फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। मृत्यु होगी किसकी? मरे हुए की। मृत्यु किसकी? मरे हुए की। ये तो मरा हुआ ही है, शरीर तो सदा ही मरा हुआ है ना, तो इसका क्या मरेगा? और आत्मा वो सदा ही क्या है? अमृत स्वरूप है, उसका मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मृत्यु क्या? कुछ भी नहीं है। जैसे सो गए और सुबह उठ गए, क्या हुए? सो गए, सो गए मतलब शरीर को भूल गए, शरीर संसार को भूल गए, तब क्या कहते हैं? सो गए। और फिर सुबह फिर क्या हो गए? उठ करके फिर चल पड़े, हैं? जैसे प्रारब्ध से हुए, प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध की चाबी भरी हुई है,
उसी के अनुसार क्या होगा, ये गाड़ी चलती रहेगी। और जब चाबी जितनी भरी है उतनी पूरी हो जाएगी फिर तो ऐसे है तो आपका क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं। लेकिन जो अज्ञानी है वो तो इस दृश्य प्रपंच को ही सत्य मानता है, अपने को देह मानता है, घर के जो सगे संबंधी है देह के संबंधी है उनको मेरा मानता है, इस कारण से इन सब को बनाए रखना चाहता है, जबकि है सबके सब काल के ही मुख में, काल के ही ग्रास है, है? सब खा जाता है कच्चे पक्के फसल को, क्या करते हैं जो जो सामने आती जाती है ना नदी के वेग के सामने सबको उखाड़ देती है। तो ऐसे काल के सामने जो भी आता है कच्ची फसल, अरे अभी वो तो बच्चा ही था, कच्चा पक्का जो भी आ जाए सब सब खाए जाते हैं ना, तो वैसे काल सबको खा लेता है लेकिन अपनी आत्मा को तो नहीं खाता ना। तो यही तो विवेक करना है, लेकिन मूड नहीं जानता है। ज्ञान चक्षु सा पश्यंती, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो क्या है, वो जानता, क्या है वो ये जानता है कि ये उपाधि और ये जन्म मरण उपाधि का है, ये इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये भी सब उपाधि है, ये भी सब जड़ है, ये भी सब अनात्मा है, और मैं आत्मा अद्वितीय सच्चिदानंद सर्व साक्षी सर्व अधिष्ठान नित्य मुक्त ब्रह्म, ऐसी प्रज्ञा जिसकी बनी हुई है वह मुक्त है, और ऐसी बुद्धि जिसकी नहीं बनी है वो अपने को शरीर मानता है, जीव मानता है, बंधन में। पुनरपि जननम, अज्ञान का फल क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। ज्ञान का फल बारंबार जन्म मरण, पुनः पुनः माता के गर्भ में शयन, ये जो संसार सागर है दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन। लेकिन जो विचार की नौका में सवार है ना वो क्या होते हैं, वो धीरे 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 संसार सागर को पार कर जाते हैं। ऐसा संसार सागर जिसको पार करना अत्यंत दुस्तर है उसको भी पार कर जाते हैं, कौन, विचार की नौका में जो सवार वो पार कर जाते हैं। विचार की नौका यही है, सब कुछ आपको बता देते हैं, बता ही दिया है, जगत क्या है और जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। तो ये प्रज्ञा दृढ़ करो, क्या प्रज्ञा दृढ़ करो, ये जो प्रज्ञा दृढ़ की है ना, क्या कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये प्रज्ञा क्या की हुई है, दृढ़ की हुई है ना। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति मूढ़ा, जड़ की और चेतन की
एकता को देखते कौन देखते हैं? मूढ़। किम अतः परम किम अज्ञानम, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा। लेकिन जो विवेकी है वो क्या देखते हैं? इनकी एकता हो ही नहीं सकती, एक जड़ है, एक चेतन है, एक आत्मा एक अनात्मा है, एक दृष्टा है एक दृश्य है, एक सत है एक असत है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक नित्य है एक अनित्य है, इनकी एकता नहीं हो सकती। तो ऐसा जान लोगे फिर आप थोड़ा मरोगे। जो आप डरते रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, कौन मरेगा? ये संसार छूट जाएगा, ये तो ही मिथ्या सपना, तो सपना ही है ना। समझ मन वा जगत सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। क्या बोला है? समझ मन वा जगत सपना, यहाँ कोई नहीं। बचपन में और जवानी में ये बात समझ में नहीं आती, बुढ़ापे में आती है। क्यों जी सेठ जी? जवानी में और बचपन में समझ आती है क्या? मेरे है, और बुढ़ापे में जिनको मेरे मेरे कहते थे दूर बैठते हैं, बुढ़ा ना आ जाए। नहीं, बुढ़ा आएगा तो कहेगा एक गिलास पानी दे दे, फिर कहेगा मेरा चश्मा पकड़ा दे, कभी कहेगा भाई मेरे को वो किताब दे दे, क्या वो मेरी चप्पल इधर को रख दें, क्या मेरे को वो स्वेटर पकड़ा देना। तो सब क्या होते हैं? बुड्ढे से, जिनको बुड्ढा क्या कहता है? अब मैं मेरा कह। अब तक जिनको अपना अपना कहता रहा वे सब अपने अपने में मस्त है, हैं? क्यों जी? और बुड्ढा कहना खुद कर भाई जो करना बुड्ढे, नहीं सच्चाई कब प्रकट होती है? बचपन में, जवानी में। बचपन में तो समझ आने नहीं देते लोग, बड़े चलाक हैं। बचपन में तो समझ नहीं, मैं नहीं आने देंगे, और बुद्धि में और उल्टी बातें बैठाएंगे इसको। यदि अरे सत्संग ना सुन ले, किसी महात्मा के पास ना चला जाए, साधु ना बन जाए, अपना स्वार्थ रहता है ना, मोह रहता है, आशा रहती है उससे, बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारा व्यापार संभालेगा, हमारा इतना सम्मान करेगा, इतनी सेवा करेगा, इतना सुख पहुंचाएगा, हर समय हमारे पास बैठा रहेगा, नहीं होती है एक भी आशा पूरी? कोई नहीं है। वे देखते भी नहीं, दूर से पूछे थे क्या ठीक हो आप, भोजन कर लिया था? कर लिया, ठीक है, दूर से पूछ कर टाइम का वो खाना पूर्ति होगी ना, थोड़ा सा फुर्सत नहीं है ना, वो अपने अच्छा परिवार है उनका अपना, कहती हम भी तो परिवार में है उनके, न आप परिवार से बहिष्कृत हो बुड्ढो, आप क्या हो? आप उनके परिवार में नहीं, मेंबर आपकी गिनती नहीं है। अब नहीं, आपके परिवार में उनकी गिनती हो वो आप देखो, पर उनके परिवार में कोई भी आप काउंट किए जाते हो? नहीं, आपकी आपकी गिनती नहीं है उसमें। उनका न्यारा है, लिस्ट नाम कर लिया, मेरे बच्चे क्या कहेंगे यदि मैं वो नहीं करूंगा तो, बच्चे मुझे बाद में क्या बोलेंगे? नहीं, अपने भाई से लड़ता है, अपने हिस्से के लिए क्यों लड़ता है? कि बच्चे सुखी रहेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, ऐसे करता है ना। मैंने बहुत उसे सुना है ना, सुनता रहता हूँ, बताया ना, श्रोता हूँ, सुनता रहता हूँ। जी कुत्तों वाली हो जाती है, कुत्ते वाली हो जाती है बुड्ढे की। एक एक तरफ बैठा रहे, बाहर ड्योढ़ी में बांध देते, बाहर बांध देते हैं ड्योढ़ी में, बाहर बांध देते, बाहर लग जाते चौकीदारा। हाँ ये बात करता है, ये बात तो यही तो समझाते हैं, ये बात बुढ़ापे में समझ में आती है कि कोई नहीं अपना, और ये जगत सब सपना हो गया ना। बचपन की खेल कूद मित्रता सगे संबंधी सब सपना हो गया,
जवानी में जो मिले, जो भागदौड़ की, दूर देश गए, व्यापार किए, क्या क्या किए, सब क्या हो गया, सब सपना हो गया, सब कुछ बीत गया, कुछ भी लौट करके नहीं आता है। तो सब सपना है, ये जगत सपना है और कोई अपना नहीं है। और जिस देह को भी अपना कहता है, मैं कहता है, ये भी जड़ है, ये भी दृश्य है, नाशवान है। तो मूल इनकी एकता देखता है और विवेकी इनका विवेक कर लेता है, ये जड़ है और मैं चेतन। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल करें। ओ